अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिल्ले 6,194 मीटर अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियंस और निग्रो नामक प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खननित करने वाला देश है। कनाडा का वुड वोल्फे नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। यह अल्बर्ट प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडोम गुंबज विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित है। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा प्रपात इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा है एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर वेनीपेग कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा मांद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, मैक्सिको, निग्रो, पश्चिम द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसावी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्ट्रिक खान, दक्षिण डेकोटा राज्य। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ऑन्टेरियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 15 देश स्थित हैं।
भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका, जो 3,811 मीटर ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। वेनेजुएला में कैरो नदी, ओरिजिनको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो 6,868 मीटर एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3,658 मीटर पर स्थित राजधानी है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना ब्राज़ील और पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबर, सिंकोना, चंदन, कार्नोवा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान तीसरा है। चूंकि कामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एक कांकागुआ ऊंचाई 6,960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में है ये। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। अर्जेंटीना के विशाल फर्मों को एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वाकी कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पोलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थलीय पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में ही स्थित है। यहाँ अब तक सर्वाधिक तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 58 डिग्री सेल्सियस 13 सितंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है और लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया,
जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7,000 किलोमीटर दूरी की बचत हुई। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में नगर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे बड़े हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3,106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलीनाना ने खोजा था। इसका नाम कुलीनाना हीरा रखा गया। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। अफ्रीका में अबसीनिया का पठार व दक्षिण अफ्रीका का पठार स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनिशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबॉन, कांगो गणतंत्र, उगांडा, रवांडा, कीनिया तथा सोमालिया। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नहर जोहेंसबर्ग है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें से कर्क व मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान 1642 ईस्वी में और कैप्टन कुक 1769 ईस्वी ने की थी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबजोर्सिंस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी को महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोयुस्को 2,228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खाने हैं कालगुडली और कुलगाडी। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जो काडू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। न्यूजीलैंड में एमू और सॉरी न्यूजीलैंड में एमू और कोकावाड़ा नामक पक्षी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में प्रख्यात मूंगे की चट्टाने ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के का मैदान कार्पेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट महाद्वीप, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे लंबी नदी, गहनतम बिंदु। तो अफ्रीका को देखें, सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का सूडान, सबसे छोटा देश है मे ओटो, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो और सबसे लंबी नदी है नील। गहनतम बिंदु है आसाई झील जो 156 मीटर की गहराई पर है। अंटार्कटिका, इसमें सबसे बड़ा देश नहीं है, ये अंध महासागर है, सबसे छोटा देश इसमें नहीं होगा। इसमें सबसे ऊंचा जो है वो है विंसन मासिफ जो 5140 मीटर है और गहनतम झील है वो है बेंटल ट्रेंच जो 2853 मीटर है। एशिया, एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, सबसे छोटा द्वीप है देश है मालदीव। इसमें सबसे ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर है और सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी और गहनतम बिंदु है डेड सी जो समुद्र तल से 397 मीटर गहरी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश है इसमें नॉरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं टोटल, सबसे छोटा है नॉरू और इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोयोसिको, सबसे लंबी नदी है मर्रे और गहनतम बिंदु है आसर झील। और इसके बाद देखें तो यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, सबसे लंबी नदी है डेन्यूब, गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर जो कि समुद्र तल से 28 मीटर गहरा है। उत्तर अमेरिका, सबसे बड़ा देश है कनाडा, सबसे छोटा देश है सेंट पीरे, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले, सबसे लंबी नदी है मिसौरी, गहनतम बिंदु है डेथ वैली। दक्षिण अमेरिका, ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, सबसे छोटा देश है इसमें फॉकलैंड द्वीप, सबसे ऊंचा पर्वत है ओजस डेल सेलेडो, सबसे लंबी नदी है अमेजन और इसमें गहनतम बिंदु है वाल्डिस पेनिन जो 40 मीटर समुद्र तल से गहरा है। हम लोग देखते हैं जलमंडल को, जलमंडल को देखें तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं तापमान एवं लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का बड़ा भाग, इसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर ओशन कहलाती है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। समुद्र, जलमंडल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे, इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापों का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। सामान खाड़ेपन वाले स्थानों में मिलकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। गार्ट आई स्पॉट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को गार्ट आई कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, 11033 मीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गर्त, तो देखिए जैसे मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई है 11033 मीटर, ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त, ये 9000 मीटर इसकी गहराई है, ये प्रशांत महासागर में है। मिडनाओ, ये 10500 इसकी गहराई है, ये प्रशांत महासागर में है। प्यूरिटो रिको, ये 8392 मीटर गहरा है, ये अटलांटिक महासागर में है जो पश्चिमी द्वीप समूह है।
रोम से। ये 7254 मीटर इसकी गहराई है। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। सुंडा की गहराई है 8152 मीटर। ये पूर्वी हिंद महासागर यानी जावा द्वीप समूह के पास है। सोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बनी नहीं होती है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्र के साथ धरातल पर 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलनिर्मल मध्य पर तथा आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य सागर पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप है। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, अकोस्टक सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसकी बेसन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का 6ठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में है अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, मगन तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक मिड अटलांटिक रिज है। यह उत्तर से आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर लेती है। ओजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्डे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं ऑसेनिन ट्रिस्टा की कान्हा, सेंट हेलेना, गोवा तथा बोएट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमेंस द्वीप है। इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरेबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यह धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंध
कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाई ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाई ओर प्रवाहित होती है। यह कारिओलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागर में जलधाराओं से के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडी धाराओं की ओर और ठंडी धाराएं गर्म जलधाराओं की ओर बहने लगती है। प्रशांत महासागर के की गर्म धाराएं उत्तरी विषुवतीय जलधारा क्यूसोसिस की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा प्रवाह अलास्का की जलधारा एलनिनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा विपरीत विषुवतीय जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं क्यूडाइल विषुवतीय जलधारा कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की या पेरुविलिया की जलधारा अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा ब्राजील जलधारा विपरीत विषुवतीय गिनी जलधारा इमर्जिंग की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर की जलधारा वेंगुएला की जलधारा किनारा की जलधारा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा अंटार्कटिका की जलधारा फॉकलैंड की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा मोजाम्बी की जलधारा अगलुहास की जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधाराएं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा नोट हिंद महासागर के ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगासो जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगासो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम कनाडी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस धारा को पुर्तगाली भाषा में सारगासम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगासो सागर रखा गया है। सारगासो जड़विहीन घास है। सारगासो सागर क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगासो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगासो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के समीपी गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने के प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित हैं। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जिसे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। जापान के निकट क्यूरोशिपो की गर्म धारा तथा ओयो शिवो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने पर वहाँ घना कोहरा छाया रहता है। ज्वारभाटा चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार अत्यधिक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है।
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाती है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन दो बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन दो बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन चार बार आते हैं। यहाँ दो बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और दो बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में, एक न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 30 मील के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुल महत्वपूर्ण गैस हैं नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल से अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित हैं। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखलाई देता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकसित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिसे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन की दृष्टि से होता है। वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवतीय रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस
अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को और अघो मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें तापमान समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती। इस मंडल में वायुयान उड़ानों की आदर्श स्थिति पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कभी कभी विषुवतीय रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाव मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन कारण CL कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की होती है। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। बाह्य मंडल, 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्यातप, इंसोलेशन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है, जैसे विकिरण। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होते हैं। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे उष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगे वाली होती है जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी पर पहुंचती हुई किरणें का बहुत बड़ा भाग वायुमंडल में चला जाता है। इसे भौमिक विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण है जिससे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। अतः वायुमंडल सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण में अधिक गर्म होता है। संचालन जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उसे अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे वायुमंडल की केवल निचली परतों में ही गर्म होती है। अगले लेक्चर में हम लोग संवहन को देखेंगे, कॉन्वेक्शन से शुरुआत करेंगे।